इस वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई और पूरी हकीकत क्या है वो आज हम आपको समझाने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग वायरल कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और कमेंट में माशाल्लाह सुभान अल्लाह इन्ना लिल्लाह भी लिख रहे हैं। तो आप वीडियो पर बने रहे। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटी सी दरख्वास्त आप लोगों से करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप का लिंक दे रहा हूं, आप उस पर क्लिक कीजिए और हमारे व्हाट्सएप को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि छोटी मोटी हमारी जो अपडेट है या वीडियोज है जो हम यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते और फेसबुक पर अपलोड नहीं कर सकते वो आपको मिलती रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि झूठी बातों को दुश्मन गढ़ता रहे, अहमक उसे फैलाता रहे, बेवकूफ उसे सच समझने लगता रहे और नादान तो उस पर डटा रहता है। और देखिए इंसान भी कितना अजीब है, अखबार की झूठी खबरों को खरीद के पढ़ता रहे और कुरान पाक की सच्ची खबरों को मुफ्त में भी नहीं पढ़ता। और सबसे अहम बात यह है, कमाल की बात यह है कि अगर कोई खबर, कोई वीडियो मक्का मदीना की हो तो एक मुसलमान उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचता, एक बार भी अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करता, लॉजिक नहीं लगाता, बस उसी को सच समझने लगता है। और अगर उस खबर पर या फिर उस वीडियो पर अरबी में कुछ लिखा हुआ हो तो फिर तो पूछो ही मत, ईमान और यकीन का लेवल हाई हो जाता है। यानी उस पर कुछ भी लिखा हो अरबी में, उसको कुरान की आयत समझकर उस पर यकीन कर लिया जाता है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। इसी का फायदा उठाकर झूठी खबरें फैलाने वाले इस चीज का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। अरबी चूंकि कुरान की जबान है, लेकिन उसके साथ हमको ये भी समझना चाहिए कि अरबी जबान एक आम लैंग्वेज भी है, एक बोलचाल की जबान भी है जिस जबान में अरब बात करते हैं। एक लतीफा मुझे याद आ गया, शायद आपने सुना भी होगा कि एक बेचारा हिंदुस्तानी हाजी मक्का में तंबाकू खा रहा था तो एक अरबी ने उसे देखा और 2 मिनट तक अरबी में उसको डांटा और तंबाकू के नुकसान तो उसको अरबी में सुनाए। उस अरबी के जाने के बाद तंबाकू खाने वाला अपने साथी से कहने लगा, यार मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि तंबाकू खाने की भी दुआ होती है जो उस अरबी ने मुझे बताई। यानी उस अरबी ने, यानी उस अरब ने अरबी में उसको डांट पिलाई लेकिन ये उसको दुआ समझ रहा है। तो ये है हमारी, यानी अरबी जबान से हमारी दूरी का नतीजा कि हमें कुरान की आयतें और अरबी जबान में फर्क ही नहीं मालूम। बहरहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल खूब वायरल हो रही है और उसमें ये बताया जा रहा है कि ये औरत जब खाने काबा के सामने पहुंची, मताफ में पहुंची और जब काबे पे नजर डाली तो उसे काबा ही नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो औरत शॉक हो गई और चीखने चिल्लाने लगी कि मुझे काबा नजर नहीं आ रहा है, मुझे काबा नजर नहीं आ रहा है। यानी हैरत की बात है, बड़े बड़े जुआरी, बड़े बड़े शराबी, बड़े बड़े सूदखोर, बड़े बड़े रिश्वतखोर, बड़े बड़े मर्डरस माफिया वहां पहुंच जाते हैं और उनको काबा नजर आ जाता है और ये औरत ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि उसे काबा नजर नहीं आ रहा है और हम लोग उस पर यकीन भी कर लेते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये 3 महीने पहले भी ये वीडियो और 1 साल पहले भी यही वीडियो वायरल हुआ था और अब फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, वायरल हो रहा है एक नई कहानी के साथ। अब इस वीडियो के साथ जो कहानी सुनाई जा रही है वो कहानी ये है कि ये जो खातून है, ये औरत है, ये मुर्दे नहलाने का काम करती थी। उसने एक मुर्दे, यानी एक खातून जो कि मर गई थी, नहलाते वक्त उसके रिश्तेदारों के कहने पर, यानी रिश्तेदारों ने उस औरत को पैसे का लालच दिया और कहा कि ये एक तावीज है, वो उस औरत के मुंह में नहलाते वक्त आप रख दो। इस औरत ने वो तावीज लेकर नहलाते वक्त जो है वो मुर्दा खातून के मुंह में रख दिया। उससे असर ये हुआ कि, यानी जो कहानी बताई जा रही है, हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन जो कहानी बताई जा रही है उसके बारे में बता रहा हूं
कि वो तावीज रखने की वजह से कुछ दिनों के बाद उस मुर्दा खातून की बेटी का इंतकाल हो गया। फिर रिश्तेदारों ने वही फार्मूला अपनाया और बेटी के मुंह में भी तावीज रखने के लिए कहा। फिर इस औरत ने लालच में आकर फिर तावीज रखवाया, फिर उसके बेटे का भी इंतकाल हो गया कुछ दिन के बाद, और फिर प्रॉपर्टी रिश्तेदारों में तकसीम हो गई। तो ये गुनाह उस औरत ने किया था जिसको काबा नजर नहीं आ रहा था, और जो उसके रिश्तेदार जिन्होंने सब कराया उनको काबा नजर आ रहा होगा। हद होती है जहालत की भी। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है, और ये सुन्नत भी है, गिज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में 2 चम्मच तनबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा, और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए, घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मरतबा, क्यों नहीं होता, आप खरीदेंगे। ठीक है, इसी गुनाह की वजह से उस औरत को काबा नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने काबे में चीखों पुकार मचा दी, वगैरह वगैरह। इतनी दिलचस्प कहानी, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी इस वीडियो के साथ जोड़ दी गई, और हमारे प्यारे मुसलमान भाई बहन काम पर लग गए और वीडियो के कमेंट में जाकर अस्तग़फिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह लिखने लग गए और उस वीडियो को शेयर करने लग गए। यानी कुछ भी कितनी नॉनसेंस बात है, इलॉजिकल बात है। मामूली से दिमाग रखने वाले को भी इस बात का यकीन नहीं आना चाहिए। अबू जहल को काबा नजर आ सकता है, इन बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम को काबा नजर आ सकता है। तब से लेकर अब तक बड़े बड़े गुनहगार वहां पर पहुंचे, ऐसे ऐसे पापी वहां पर पहुंचे कि जिनके पाप अगर सुने तो हमारे कानों से खून निकलने लग जाए। उनके सामने से काबा नजर गायब नहीं हुआ, और इस औरत के एक गुनाह से जो कि मनगढ़ंत है उससे काबा नजर नहीं आ रहा। हद होती है जहालत की और लाइल्मी की। और मुझे तो ऐसा लगता है कि यानी इस हमारी कौम की जहालत पर इन्ना लिल्लाह और अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना चाहिए कि ऐसे वाकियात पर भी हम यकीन करने लग जाते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि ऐसी ही एक कहानी किसी और औरत के लिए 1 साल पहले भी इस्तेमाल की गई थी। मैं ये वीडियो चला तो नहीं सकता कॉपीराइट की वजह से, लेकिन इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में आप साफ देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं कि ये वाकिया, ये कहानी 1 साल पहले भी किसी और औरत के लिए सुनाई गई थी। इस वीडियो का सच सिर्फ इतना है कि ये औरत पहले से बीमार चल रही थी, दिमागी उसका इलाज चल रहा था। उन लोगों को लगा कि भाई यहाँ आने के बाद में हो सकता है कि इस मुकद्दस जगह की बरकत से यहाँ दुआ कबूल होती है, इसका इलाज हो जाएगा, ये सेहतमंद हो जाएगी। जब वो मताफ में आई तो उस औरत को दिमागी दौरा पड़ा और उसकी ये हालत हो गई। और ये जो वीडियो है, एक पाकिस्तानी शख्स ने एक वीडियो रिकॉर्ड उसकी कर ली, नॉर्मल उसके सामने ये वाकया हुआ, उसका भी बयान सामने आ गया। वो कहता है कि मुझे खुद ताज्जुब हुआ जब लोगों ने मुझे ही ये कहानी सुनाई, मेरी ही वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर, जबकि वो मैंने रिकॉर्ड की, मैंने मेरी आंखों से देखा, मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं। एक मामूली सा नॉर्मल सा दिमागी दौरा उसको पड़ा था, जो मेरे सामने हुआ, मैंने वो वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया, तो लोगों ने ही मुझे कहानी सुनानी शुरू कर दी। मैं उस वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो दोनों वीडियो देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, बिल्कुल जो है अल्लाह ने दिमाग दिया है और सबसे ऊंचा उसको रखा है, बाकी सब नीचे हैं, लेकिन दिमाग को यहां रखा है। इसलिए किसी भी चीज को देखो तो दिमाग लगाओ, है ना। इस्लाम कभी भी इस तरह के जो है करामात और इस तरह के जो है ना, ये जो जादुई मंजर जैसे होता है, इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, ना हमारे ये ईमान का हिस्सा है। ठीक है, बात समझ में आई।
तो ध्यान रखें, आइंदा कोई ऐसे वीडियो आए तो बिना तहकीक के उस पर यकीन न करें। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको फायदा जरूर हुआ होगा। आप हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद है। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आप जानते हैं कि मिफ्ताही परफ्यूम्स ने अब तक कई सारे इत्र आपकी खिदमत में पेश किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसको बेहद पसंद किया है। लेकिन उन सारे इत्र में 6 VIP इत्र हैं जो सबसे ज़्यादा इत हुए हैं और सबसे ज़्यादा आप लोगों ने उसको पसंद किया है। अब हमने उन 6 इत्रों का एक गिफ्ट सेट तैयार किया है माशाल्लाह, और ये गिफ्ट सेट आपको सिर्फ 2500 रुपए में हम देंगे। लेकिन इसके साथ एक ऑफर भी है, एक खुशखबरी भी है कि ये गिफ्ट सेट लेने के बाद में आपको एक तलबीना हमारी तरफ से फ्री दिया जाएगा इंशाल्लाह। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप ये ऑर्डर कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.miftahiperfumes.com पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप ये ऑर्डर करें, आपके लिए नफे का सौदा होगा और सारे इत्र आपको एक साथ मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है।